और जहाँ तक हमें बताया था, ये छोटा सा कारपेट ही करीबन 2 लाख रुपए का होगा अभी। यार 2 दिन से तो मैंने कुछ शूट नहीं करा, बिकॉज मेरे और लक्ष्य दोनों की हालत काफ़ी ख़राब थी। ये भाई हैं, ही इज़ मतलब यार, ये अब मैं ये कहूँ ओनर के बेटे साहब है, बट यार ही हैज़ ट्रीटेड अस एज भाई की तरह। दिल्ली वाले हैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो यार अभी कश्मीरी ब्रेड ट्राई कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी फेमस हियर। वैसे मैंने खाई नहीं, बट अभी ट्राई करता हूँ। यूजुअली इसको बटर के साथ खाते हैं, एंड विद प्रॉब्ली विद कावा। दिस इज द ब्रेकफास्ट, कश्मीरी कावा। दिस वुड बी द ब्रेकफास्ट। यार आप भी मस्त हो। यार ये ब्रेड खा रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये ब्रेड मेरे को कुछ कुछ मैंने एक इजिप्ट में ईरानियन ब्रेड खाई थी वैसी है, और इस रीजन में मिलती है। अफगानिस्तान में भी सेम टाइप की ब्रेड होती है। मैंने शायद नोमैडिक इंडियन भाई की वीडियोस में देखी थी, उन्होंने खाई थी तो मेरे को याद आया। काफ़ी अच्छी है, बटर के साथ और चाय हो जाए तो ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट हुआ। काफ़ी भारी भी हो जाता है। बहुत है भाई, तेरे हरियाणा में तो होता नहीं है, सीन ही होता है ना। क्या कहते तुम्हारे हरियाणा में? हुक्का। हुक्का ही कहते हैं। मैंने हुक्का आज तक सिर्फ एक बार ट्राई करा है, वो भी आप लोगों ने देखा है इजिप्ट में। मैंने आज तक कभी टबैको आज तक पर्सनली नहीं फूका, बट हुक्का ट्राई करा था इजिप्ट में वंस। तुम्हारे वहाँ भी हुक्का ही कहते हैं फिर? वहाँ पे तो करते होंगे बाबा और वो सब। ताऊ ताऊ वाला। अच्छा ताऊ कहते हो तुम लोग? हाँ, थोड़ा अलग है। तो दिस इज हाउ अ कश्मीरी हाउस लुक्स लाइक। बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही फैंसी सा लगता है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यार ये ऐसी चेयर्स हैं, ये सारी, दिस इज वॉलनट वुड, और आप अपोल्स्ट्री देखोगे और आप कर्टन्स देखोगे, कारपेटिंग देखोगे। दिस इज ऑल वेरी डिफरेंट। टू द अनट्रेंड आए ये लगेगा कि यार ये नॉर्मल कारपेट्स हैं जो दिल्ली अपने वहाँ पे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। दिस जो मेरे को गुलाम रसूल जी, हमारे जो ओनर थे, उन्होंने बताया था कि ये वाले सिलिकन कॉटन के बनते हैं। सिलिकन कॉटन अभी भी मिलता है, बट उसको यार फेक और रियल स्पॉट करना थोड़ा हमारे बस की बात नहीं है। तो उसकी डिटेल्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आपको खुद आके यहाँ पे पूछना पड़ेगा। सिलिकन कॉटन होता है, सिलिकन वूल होता है। सिलिकन वूल के अब नहीं बनते, फ्रॉम व्हाट रसूल जी ने हमें बताया था। हियर यू हैव अनदर बेड, एंड यहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, शायद इंटरनेट इस पे आता होगा। एंड यार देख सकते हो, कुछ लोग यार यही सेंटर पीस के लिए ही, अगर दिल्ली NCR में होंगे, दे विल प्रॉब्ली पे 3-4 लाख फॉर एक सेंटर पीस, बिकॉज ये कारीगरी अलग टाइप की है। ये आपको अपने होम सेंटर या ये जो फर्नीचर स्टोर्स में होते हैं दिल्ली में, वहाँ पे नहीं मिलेगी। एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेलिंग दी हुई है। अभी गुलाम रसूल जी अंदर हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं उनके साथ ही दिखाता है। फिर ये सारे ऐसे ड्रॉअर बनाए हुए हैं, उसके बाद उनके कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे इस हाउस बोट पे, बिकॉज यार ये थोड़ी सी जब सीज़न होता है तो ये थोड़ी सी महंगी है। अभी तो ऑफ सीज़न है और कोविड है, तो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड प्राइस फॉर यहाँ पे रहने का, अदरवाइज ये मेरे बजट के अंदर नहीं होती। ऑल थैंक्स टू रसूल जी, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सर आपको थैंक यू हमें यहाँ पे रहने के लिए, मेरे को और लक्ष्य को। मूविंग ऑन, यहाँ पे मैंने ये नोटिस करा, जो कुशन्स होते हैं लाल कलर के होते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। और कुछ कुछ अपोल्स्ट्री बिल्कुल रेड होती है, एक शाइनी रेड वाला कलर होता है, आई डोंट नो द रीज़न। अगर पता चलेगा तो नीचे लिख दूंगा। फिर चलते हैं यहाँ पे, आप ये भी देख सकते हो, टीवी के केसिंग भी बिल्कुल अंदर हुई हुई है वॉलनट के पूरे ड्रॉर के अंदर, विच इज़ समथिंग मैंने कहीं नहीं देखा होगा, एटलीस्ट अब तो नहीं होता। फिर ये कुछ बुक्स रखी हुई हैं, कुछ पेंटिंग्स रखी हुई हैं जो उनके कुछ के गेस्ट ने दी हैं,
वो कहीं से आते होंगे, जैसे एक कोई लड़के ने नॉर्वे के, उन्होंने ये उनको स्नोबोर्ड दिया था, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ करेंसीज अंदर रखी हुई हैं, जो आते होंगे लोग वो दे जाते होंगे। ये 500 का नोट है, मोदी जी आपने हटा दिया था। एनीवेज चलते हैं, ये आप शैंडलियर भी देख सकते हो, ये छोटे वाले शैंडलियर है, मेरे को नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट ये है यहाँ पे। इवन द क्लॉक आप देख सकते हो, हर चीज़ को बहुत ही डिटेल और बहुत ही शौक से बनाया है, रादर मैं ये कह सकता हूँ। ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, अभी थोड़ी सी अंधेरा है, पर ये चेयर्स हैं, ये चेयर्स भी एक एक चेयर ही आप देख सकते हो कितनी बड़ी हैं और कितनी कारीगरी करी गई है इस पर। उसके अलावा ऐसे पेंटिंग्स हैं, ये एक पेंटिंग है, अब इसमें एक लेडी पानी डाल रही है नीचे, इस पर लाइट आ रही होगी थोड़ी सी, काफ़ी आर्टिस्टिक है। उसके अलावा यार एक एक आप रग देखो, रग कारपेट जो कहने कह लो, ये अलग अलग हैं, ये मतलब ये सेम टाइप के नहीं है। ये हमें बताया था कि ये वाला ये पूरे कारपेट से मिला के महंगा होगा, और जहाँ तक हमें बताया था ये छोटा सा कारपेट ही करीबन 2 लाख रुपए का होगा अभी, तो आप सोच सकते हो कि कैसी अलग लेवल की कारीगरी होती है। और ये पूरा हैंडमेड होता है, ये कोई मशीन मेड नहीं होता, इसका एक एक थ्रेड काउंट, एक एक नॉट खुद इंसान बनाता है, इसलिए इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आजकल लोग खरीदते नहीं है, आजकल मशीन मेड कारपेट्स इतने सस्ते आ जाते हैं तो लोग इतना खरीदते नहीं, एटलीस्ट कश्मीर के बाहर तो डिमांड कम ही है, ज़रूर है, बहुत फॉरनर्स यहाँ से बनवा के ले जाते हैं, बट थोड़ी कम डिमांड है। उसके अलावा ये चेयर्स हैं अगेन, और एक ये फ्रिज है यहाँ पे, उनके एक और कारपेट पड़े हुए हैं। और यार ये सेंटअप, ये देख लो आप डेकोरेशन पीस, इसमें ये शायद क्रॉकरिया, मेरे को नहीं पता ये कश्मीर की है, मेरे को तो चाइना बोल वाली लग रही है, बट हो सकता है यहाँ की हो, आई एम नॉट इंटायरली श्योर। इसके अलावा ये कैबिनेट बना हुआ है बहुत बढ़िया सा, अगर मैं पीछे से दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा लगता है। ऐसे शिकारा के बीच में आ गए, यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, ये शायद वो स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, और कुकिंग तो शायद नहीं करते हैं यहाँ पे, कुकिंग पीछे होती है। इसका एक फर्स्ट फ्लोर भी है बट ये शायद बंद है, यहाँ पे कुछ है नहीं अभी। दिस आई थिंक, मैं इसलिए कह रहा था ये शायद प्लाईवुड है मेरे हिसाब से, बट हो सकता है दियोदार ही हो। ऐसे हॉलवेज हैं और ये सारे ही हाउस बोट्स में ऐसे ही होते हैं। ये पीछे जो रूम था वो उनके बेटे साहब का था, और ये हमारा रूम है, अभी थोड़ा सा मेसी है, बट यार ये रूम देख लो, ये रूम की मैं जब ठीक था उसकी भी पिक्चर डाल दूंगा। ये मेरा बेड है, ये लक्ष्य का है, ऐसे एक पूरा अलमीरा दी हुई है, मेरी सांस अभी फूल गई। ऐसे देखो एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, अब यार ये कांच टूट ना जाए, मैंने ज़्यादा तेज़ कर दिया। उसके अलावा यू कैन सी इट लाइक दिस, काफ़ी सारी डिटेलिंग हुई हुई है, ऊपर वुड आप ये देख सकते हो, आई थिंक ये सारा पूरा वॉलनट वुड की होगी, एंड दिस विल प्रॉब्ली बी वेरी एक्सपेंसिव अगर आप अब कराओगे तो। यहाँ से काफ़ी लोग फर्नीचर कटवा के ले जाते हैं, एंड इनकी ये भी जैसे अब चादर है, अब मेरे को नहीं पता ये यहाँ की है, बट ये लग रही है बिल्कुल, एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। आई थिंक जो घर पर हमारी होती है वो भी इसी की होती है, बट हमें बहुत महंगी मिलती होंगी, यहाँ पर इट विल प्रॉब्ली बी चीपर। यहाँ से लोग पश्मीना शॉल्स, बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, वो आप में से काफ़ी लोगों को मेरे से बेटर पता होगा। मूविंग ऑन, इस बोट में तीन रूम्स हैं, जो उनके बेटे साहब थे उन्होंने बताया था कि नहीं, इसमें 4 रूम्स है, इट हैज़ 4 रूम्स, तो आई थिंक ये बी क्लास हुआ, जिसमें 3 रूम्स होते हैं वो सी क्लास होता है। दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ, ये एक रूम है, ये आप देख सकते हो, एक चेयर है, ये सेंटरपीस टाइप है, एक और बेड यहाँ पे, ये दिया हुआ है लगेज के लिए डस्टबिन, ये वॉक इन वार्डरोब भी है यहाँ पे इसमें, वाओ। और दिस इज़ द बाथरूम, अब यार लाइट नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, बिकॉज लाइट गई हुई है यहाँ पे सुबह से, वो प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। बट यहाँ पे हर हाउस बोट में यू हैव टू हैव ओनली क्या कहते हैं, वाटर टब, इसलिए बिकॉज यार आप पानी को नीचे फ्लोर पे नहीं आने दे सकते,
वो इसलिए है क्योंकि उनकी लकड़ खराब हो जाती है नीचे से, सो दे डोंट वांट दैट, और उसके बाद यार मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। इसलिए आप बाथ टब के अंदर ही नहा सकते हो, या फिर आप बाल्ट टब के अंदर बाल्टी डालो, उसमें पानी भरो और उससे नहाओ, जो ये शायद मैंने पहली वीडियो में शेयर करा था। मूविंग ऑन, आई थिंक ये रूम, मेरे को नहीं पता कि ये खुला है कि नहीं खुला, खुला है ये। उन्होंने ये भी ऑफर करा था हमें, बट हम लक्ष्य और मैं दो लोग हैं तो हमने ये नहीं लिया। दिस विल प्रॉब्ली बी फॉर हनीमून कपल्स या फिर कपल्स। यहाँ पे एक चेयर है, एक बेड है, उसके अलावा ये यहाँ पे बहुत बड़ा सा वॉकिंग वार्डरोब है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया, उसके अलावा ये बाथटब है और ये बाथरूम है। आई होप यू लाइक दिस, मिनी तो नहीं कह सकता, 10 मिनट का टूर दे दिया मैंने, बट आई होप यू लाइक डेट। अभी मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा और थोड़ी और कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करूंगा। तो यार 2 दिन के बाद हम लोग निकले हैं बाहर, थोड़ी सी आज हिम्मत थी, एंड पीछे डेविड भाई हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। एंड डेविड भाई ने अभी 2 महीने ये लॉकडाउन के बीच में ही आए थे, एंड ही हैज़ लर्न शिकारा चलाना और बहुत बढ़िया चलाते हैं यार, मेरे को तो डिफरेंस भी नहीं पता चल रहा। यू आर प्रोफेशनल शिकारा राइडर नाउ। और यार इतना आसान नहीं होता, कल भाई तूने भी ट्राई करा था ना कोशिश? हाँ भाई, नहीं होता आसान, ऑलमोस्ट ठोक दी थी, तो ऑलमोस्ट अंदर दे ही दी थी तूने। हाँ, किसी वर्कआउट से कम नहीं है भाई, बिल्कुल। यू वुड हैव लाइक बाइसेप्स थोड़े टाइम के बाद इफ यू यू नो रेगुलर बेसिस पे चलाऊंगा तो। हाँ, तो इट्स वेरी नाइस। और डेविड भाई वो हमें छोड़ रहे हैं अभी, उसके बाद हम थोड़ा खाना वाना खाएंगे। मेरी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक सेगमेंट डाला होगा जिसमें मैंने मेंशन करा था मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, सो वी कुंड गो एनीवेयर। उसके बाद श्रीनगर से बाहर हमारा उरी जाने का प्लान था, एंड सोनमर्ग तो खैर हमने सोनमर्ग तो ख़त्म ही कर दिया था ना हमने, बिकॉज सारा फिर ट्रैकिंग ही होता वहाँ से, तो उरी जाने का प्लान था बट वो नहीं जा पाए। बट कोई बात नहीं, किसी और टाइम आएंगे, बिकॉज कल मेरी फ़्लाइट है और आई एम लीविंग कश्मीर कल। हम आए हैं ऐसी जगह पे डल लेक की, जो हमने पहले देखी नहीं थी। डल लेक अपने आप में, अगर आप घाट 1 से चलोगे तो घाट एटलीस्ट 3-4-5 तक बहुत अच्छी नहीं है, मतलब पानी इतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे ओपन डल लेक है, ये काफ़ी अच्छा है। क्यों भाई, ये बेटर है ना? बहुत। तो यहाँ पे हम लोग वॉक ले रहे हैं। अभी यार टूरिज्म कम है तो ये शिकारा वाला 150 से 200 के बीच में मान जाते हैं, आपको कहीं पे भी छोड़ देंगे, बस बारगेन करना आना पड़ता है। तो ये वाला हमने एरिया भी एक्सप्लोर कर ही लिया एक तरह से। अभी सोच रहे हैं कि शिकारा लें या ना लें। हमारा शंकराचार्य मंदिर जाने का मन था, जहाँ से ऊपर पूरा डल लेक का व्यू दिखता है। ऊपर यहाँ पे कहीं है, यहाँ से ऊपर जाता है, बट वहाँ पे अभी चेक पोस्ट लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि 5:30 के बाद अलाउ नहीं करते जाना, तो हम यहीं पे आ गए। हमने सोचा हम यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वापस अपने रूम में आ गए हैं, थोड़ा सा चिल सीन है, कल हम लोग निकलने लगे हैं, तो वी आर हैविंग पिज्ज़ा विद अपने भाई। क्या हाल है यार, अभी पिज्ज़ा आया है अब तो हाल और बढ़िया हो गया। क्यों भाई, तेरी हालत खराब हो गई? और अब सही है, अब ठीक है। ठीक है ना, पिज्ज़ा खा के ठीक हो जाएगी। एंड यार डेविड ने हैज टेकन वेरी गुड केयर ऑफ अस। अगर आते हो यार, यू हैव टू डेफिनेटली स्टे हियर एट न्यू शेरन। इसका पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग विल बी इन माय यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। एयरपोर्ट पे पीटर सर का नाम बोल, पीटर सर का नाम बोल देना, गुलाम रसूल सर का, एंड ही विल टेक यू, टैक्सी मिल जाएगी और वहाँ से ले लेना। उसके बाद सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, थोड़ा खाते हैं फिर मिलते हैं।